हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो अब जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था क्लास 12 के, कि हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो सारा कुछ खत्म हो चुका है जो हमारा सीबीएसई बोर्ड के लिए सफिशियंट होता है। और अब जो अगले लेक्चर से है, मतलब आज के लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं अपने क्वेश्चन के सेशंस, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाया था, मतलब प्रीवियस ईयर जो सीबीएसई ने 12th में क्वेश्चन पूछ रखे थे वो मैंने प्रोवाइड करवाया था, ठीक है। और मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ताकि आप डाउनलोड कर सकें, ठीक है। तो अब उन कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशंस करते हैं। तो अब पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि उसमें जो ज्यादातर क्वेश्चंस हैं, जो ज्यादातर क्वेश्चंस हैं वो क्या है, बेसिक क्वेश्चंस हैं, और वो उन्हीं पे बन जाएंगे अगर आप हमारे पिछले लेक्चर्स देख लें। मैंने जो भी पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है, जितने सारे लेक्चर्स हैं, अगर उन सबको आप देख लेते हैं तो बेसिक जो क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स के, वो आपको इजिली बन जाते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है या फिर कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आते हैं जो मैंने लेक्चर्स में बता रखे हैं। तो यहां मैं उन क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूँ जो थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन है, जिनको बताना मुझे लगा कि हाँ जरूरी है, तो आज मैं उन क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि टू इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू, मतलब दो इक्वल बॉल्स है हमारे पास जिस पर दोनों पर चार्ज क्या है, क्यू है। क्यू कूलम्स आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, उन दोनों को स्ट्रिंग से लटका कर रखा हुआ है, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है, ठीक है। What would be the effect of on the force when a plastic sheet is inserted between the two? मतलब जो दो जो हैंगिंग वो बॉल्स हैं, ठीक है, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो पहले क्या है कि हमारा बीच में जो मीडियम है वो एयर है या फिर वैक्यूम हम मान के चलते हैं। दूसरा हमारे क्वेश्चन में ये कह रखा है कि फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब जो पहले जो फोर्स लग रहा था उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम इन दो बॉल्स के बीच में कोई सा एक मीडियम लगा दें जो कि प्लास्टिक है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे मैंने पहले एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बारे में बताया था, उसमें मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई सा एक मीडियम है, पहला तो हमारा ये दे रखा है कि हमारे दो बॉल्स हैं, दोनों स्ट्रिंग से लटके हुए हैं, इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग है, ये एल है, ये एल लेंथ का है, इस पर चार्ज क्यू है, इस पर चार्ज क्यू है, ठीक है, दोनों पर सेम चार्ज है, ये हमारा अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, कुछ हमारा जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आर है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमने आर मान लिया। अब इस पर क्या होगा अगर बीच में हमारा अभी एयर मीडियम है, ठीक है, मतलब जो मीडियम है वो क्या है, हमारा एयर है, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो फोर्स होता था वो हो जाएगा सीधा एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q मल्टीप्लाइड बाई क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब ये हमारा फोर्स पहला निकल के आ गया Q स्क्वायर बाई 4πε0r², ठीक है। ये कब, जब हमारा मीडियम क्या है, वो हमारा एयर मीडियम है, ठीक है। तो अब कहा गया है कि इन दोनों के बीच में क्या है, मीडियम चेंज करके जब प्लास्टिक लाया गया, ठीक है, अब मीडियम क्या है हमारा प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक है तो अब क्या है, हम अगर दूसरा मीडियम लेकर के चलते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मानते हैं, मतलब प्लास्टिक का हमने मान लिया कि कुछ ना कुछ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, उसको हमने के मान लिया, ठीक है। और ये जो हम यहाँ पे परमिटिविटी इन वैक्यूम मानते हैं, तो वहां पे हम क्या मानते हैं, एफ, ये मान लिया हमने एफ डैश तब लगा जब हमारा मीडियम प्लास्टिक है, तो जब प्लास्टिक है तो फोर्स क्या हो जाएगा, सिमिलरली 1/4π यहाँ पे एप्सिलॉन हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है, एप्सिलॉन नॉट तब हम लगाते हैं जब हमारा क्या होता है, मीडियम एयर होता है या फिर वैक्यूम होता है, ठीक है। अब जब हमारा मीडियम चेंज होता है तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन लगाते हैं, ठीक है, तो बाकी सारा सेम, क्यू इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस सेम है तो आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा एफ डैश आया। अब के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो के इज इक्वल टू हो जाता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो ये हमने पहले पढ़ रखा था पिछले के लेक्चर्स में। तो जब हम एप्सिलॉन में इसकी वैल्यू डालते हैं, मतलब एफ डैश हमारा क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो वो हमारा क्या आता है, 1/k मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा एफ डैश आता है।
अब एफ और एफ डैश में, मतलब जब हमारा जो मीडियम है वो एयर था, और तब जब हमारा मीडियम कुछ प्लास्टिक था, ठीक है, तो तब में अगर थोड़ा सा डिफरेंस देखा जाए तो वो बस ये चेंज है कि यहाँ पे 1/k से मल्टीप्लाई हो गया, कब, जब हमारा प्लास्टिक मीडियम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, एफ डैश इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, 1/k मल्टीप्लाइड बाई, ये पूरा का पूरा क्या है, एफ है, ठीक है। तो ये हो गया एफ, मतलब एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन के। और क्या होता है, अगर प्लास्टिक क्या है, एक इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर के लिए क्या होता है, के इज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, जनरली हम इसका यूज करेंगे। तो अगर के इज ग्रेटर देन 1 है तो एफ डैश जो है वो क्या है, एफ अपॉन के है, मतलब डिनोमिनेटर में क्या हो गया है, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, ठीक है। कहने का मतलब जो एफ था उसके डिनोमिनेटर को हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, अगर किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया जाता है तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। तो कहने का मतलब जो एफ डैश है वो हम कह सकते हैं इज लेस देन एफ है, मतलब अगर हमारा जो मीडियम है, अगर उस मीडियम को हम प्लास्टिक बना देते हैं, मतलब इसके बीच में हम प्लास्टिक मीडियम ले आते हैं, तो हमारा जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इजी सा सोल्यूशन इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो बोर्ड में क्या होता है, इसी तरह के कुछ इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा क्वेश्चन हो गया, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5th था जो मैंने वो दिया था आपको, टेलीग्राम चैनल के थ्रू PDF दिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये उसका क्वेश्चन नंबर 5th है जो कि पूछा गया था ऑल इंडिया 2014 में, ठीक है, 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन हमारा, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जो मैं नहीं बता रहा हूँ वो काफी बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं वैसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ जिनको सॉल्व करना मुझे लगा कि बोर्ड पे जरूरी है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आपको दिए जा सके, ठीक है। तो अब जैसे 8th क्वेश्चन है, टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। जैसा आपको फिगर में दिख रहा होगा कि डी डिस्टेंस अपार्ट दो चार्जेस है हमारे पास, एक क्या है हमारा Q1 है, यहाँ पे ये चार्ज Q1 है, और यहाँ पे जो चार्ज है ये हमारा Q2 चार्ज है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये डी डिस्टेंस है, ठीक है। ये है क्वेश्चन का अरेंजमेंट हमारा, और आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो एट द पॉइंट पी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एज शोन। जैसा कि फिगर में दे रखा है कि इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, इसको एक्सटेंड करके एक पॉइंट पी है, वहां पर क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो क्या है, जीरो है। मतलब ये जो पॉइंट यहां पर ऐसे दे रखा है, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो पूछ रहा है, राइट टू कॉन्क्लूजन दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस, मतलब दो कॉन्क्लूजन हमें ऐसे निकालने हैं, ठीक है, मतलब दो कॉन्क्लूजन हमें निकालने हैं इस अरेंजमेंट से कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर जीरो होता है तो हम दो कॉन्क्लूजन क्या क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वैसे मैंने पहले भी इस टाइप का थोड़ा सा बता रखा है, समझा रखा है पिछले के लेक्चर्स में, तो अब हम इसमें भी देख लेते हैं कि क्या हो सकता है दो कंक्लूजन, ठीक है। तो अब अगर इस लाइन पर अगर एक्सटेंड कर दिया जाए, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो आपको पता है कि यहां पर दो चार्जेस है हमारे पास, तो ठीक है। तो क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन से हमको क्या पता है कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग चार्जेस के कारण, इंडिविजुअल चार्जेस के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर निकालते हैं, तब जाके हम उसका सम कर देते हैं या वेक्टर सम कर देते हैं। तो अगर पी पॉइंट को हम यहां पर निकालें, ठीक है, तो P पॉइंट को अगर हम निकालते हैं, ये हमारा P पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब दो चार्जेस हैं यहां पे और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए अगर दो मतलब दो चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं उस पे, और दो चार्जेस के कारण अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा दोनों इंडिविजुअल चार्जेस के कारण, वो अलग अलग डायरेक्शन में लगेगा। कहने का मतलब कि अगर इस डायरेक्शन में कोई सा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, अगर E1 लग रहा है, ठीक है, और इसके कारण E2 लग रहा है, मतलब E1 लग रहा है चार्ज Q1 के कारण और E2 लग रहा है चार्ज Q2 के कारण, ठीक है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होगा, जब दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो जीरो कब होगा, जब E1 इज इक्वल टू E2 होगा,
जब E1 इज इक्वल टू E2 होगा तभी तो जाके ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वैल्यूज हैं, जो इंटेंसिटी है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और तब जाके यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, मतलब हमने पहला कंक्लूजन तो ये निकाला, मतलब एक तरह का कंक्लूजन नहीं, हमने ये समझा कि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग डायरेक्शन में होने चाहिए। अब जो हमारा कंक्लूजन निकलने वाली बात होती है वो ये है कि अगर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में है तो कहने का मतलब कि ये दो चार्जेस जो है वो ऑपोजिट चार्जेस हैं। मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो पहला जो कंक्लूजन निकल के आता है तो ये हमारा निकल के आता है Q1 एंड Q2 आर क्या है, ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, ये हमारा पहला कंक्लूजन निकल के आया। ठीक, अब हमने ये तो समझ लिया कि दोनों के दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, अब दूसरा कंक्लूजन ये हमारा हमें निकालना होगा कि ये इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस पर भी तो डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस पर भी तो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो अब क्या है कि इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर इसके कारण निकाला जाए तो ये कुछ, अगर हम मान ले यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ है, ठीक है, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम x मान रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, Q1 से P तक का डिस्टेंस क्या है, d प्लस x है। ठीक है, लेकिन Q2 से P तक का डिस्टेंस क्या है, वो सिर्फ x है। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर Q1 के कारण अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो ये क्या है, उतना ही लगना चाहिए जितना कि Q2 के कारण इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तभी तो जाके वो दोनों कैंसिल आउट होंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा, हमारे पास जीरो निकलेगा। तो अब हम मान सकते हैं कि समझने के लिए, अगर हमने मान लिया कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, क्यू है, मतलब दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो हम अगर इक्वल मानते हैं, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन हम देख रहे हैं Q1 के कारण, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस हमने मान लिया ये D1 है, ठीक है, E1 से यहां तक का डिस्टेंस D1, और E2 क्या है, इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कुछ ना कुछ D2 का स्क्वायर। ठीक है, ये D2 का स्क्वायर, ये D1 का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। तो अब हमें पता है कि अगर दोनों के चार्जेस इक्वल हैं और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर किसी चार्ज से कोई पॉइंट ज्यादा दूर है, ठीक है, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वहां पे लगेगा वो क्या होगा, कम होगा। और अगर कोई सा पॉइंट इस P पॉइंट से, मतलब जैसे यहां पर देख रहे हैं Q2 जो है वो P से क्लोज है, मतलब पास में है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी। कहने का मतलब अगर हम Q1 इज इक्वल टू Q2 मानते हैं, ठीक है, तो जो ज्यादा पास होगा, जो चार्ज ज्यादा पास होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, और जो चार्ज ज्यादा दूर होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट में क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा था पहले। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस क्या है, इसका कम है और इसके कारण इसका ज्यादा है डिस्टेंस। ठीक है, तो अब Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q तो हमने माना है ना, वो समझने के लिए कि डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। तो अब क्या है, क्योंकि E1 इज इक्वल टू E2 होना है। ठीक है, अगर Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q है, अगर दोनों चार्जेस इक्वल हैं, तो कहने का मतलब अगर E2 इधर लग रहा है, E1 यहां लग रहा है, ठीक है, तो E2 जो लगेगा, अगर हम दोनों चार्जेस को सेम मान लेते हैं, तो E2 जो लगेगा उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो ज्यादा हो जाएगी E1 के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, ऐसा होगा जब हम इस तरह का मान लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में Q1 और Q2 अलग अलग चार्जेस हैं और हमने पहले कंक्लूजन से निकाला भी है कि Q1 और Q2 जो है वो ऑपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट चार्जेस हैं तो क्या है कि अब अगर इक्वल होते तो E2 इज ग्रेटर देन E1 होता, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ E1 होता, तो यहां पर जीरो नहीं हो पाता। ठीक है, तो जीरो होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कम लग रही है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमारा ज्यादा है। ठीक है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम मान सकते हैं कि Q1 की जो वैल्यू है,
ठीक है, अगर इस Q1 की वैल्यू को हम बढ़ा दें, ठीक है, मतलब इसको हम कुछ मान ले Q1 और इसको Q2 मान ले, और Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है, मतलब कुछ इस तरह से ग्रेटर देन है कि इसके कारण जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रहा है, मतलब E1 जो लग रहा है वो बराबर हो जाए किसके, E2 के। ठीक है, पहले अगर ये दोनों चार्जेस इक्वल होते तो इक्वल नहीं हो पाता, उस टाइम पे क्या होता है, E2 इज ग्रेटर देन E1 हो जाता, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो अब इसको कॉम्पनसेट करने के लिए, मतलब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इक्वल बनाने के लिए, ऐसा जरूर होगा, मतलब ये मस्ट है कि Q1 की जो वैल्यू है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। तो जब तक ये ग्रेटर देन ये नहीं होगा, तब तक हमारे पास ये कंडीशन निकल के नहीं आएगी। ठीक है, तो जब हम ऐसा करते हैं तो ये नहीं हो जाएगा, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, E1 का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो हमारा जो कंक्लूजन निकल के आया है, सेकेंड कंक्लूजन हमारा जो निकल के आया है वो यही निकल के आया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 जो है वो ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 है। ठीक है, इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट बस यही था कि डिस्टेंस के इन्वर्सली मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। तो अगर हम Q1 की वैल्यू को जब तक नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमें इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं मिलेगा कि वो Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर हो जाए। ठीक है, और Q1 एंड Q2 आर अपोजिट चार्जेस हमने निकाल के रख लिया था। तो ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हम करेंगे। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा जो पिछला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 जो था, वो दिल्ली 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था और काफी इजी सा क्वेश्चन था। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17। वो क्या है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर व्हेन प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 4√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इफ इट हैज चार्ज ±8 नैनो कूलम। ठीक है, तो अब डायपोल में हमें पता है कि दो दो चार्जेस होते हैं, वो क्या होते हैं, अपोजिट साइन के होते हैं, और जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब जो डिस्टेंस बिटवीन डायपोल है वो क्या होता है, 2a होता है, वो हमारा दे रखा है 4×10^-2 मीटर, हमने सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर रखा है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है, टॉर्क इज इक्वल टू 4√3 न्यूटन मीटर दे रखा है, और चार्ज क्या है, 8 नैनो कूलम है। नैनो कूलम मतलब 10^-9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब हमारे को पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो जाता है, यू से हम इसे उसे डिनोट करते हैं, और यू इज इक्वल टू होता है −PE cos θ। ठीक है, ये हमारा होता है। अब P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, Q×2A होता है। ठीक है, अब Q यहां पर क्या है, 8×10^-9, मतलब 8×10^-9 कूलम×2A हमारा क्या है, 4×10^-2 मीटर, 4×10^-2 मीटर। ठीक है, ये हमारा आ गया, ये कूलम में है और ये क्या है, मीटर में है। तो हमारा जो इसका यूनिट हो जाएगा ये हो जाएगा कूलम मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा डायपोल मोमेंट की वैल्यू, Q×2A। तो P हमारे को मिल गया। ये जो कॉस थीटा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हमारे को दे रखा है, तो कॉस थीटा हमें पता है, और हमें जो नहीं पता है वो क्या है, E है। ठीक है, E हमारे को नहीं पता है, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें ई चाहिए। अब एक्स्ट्रा हमारे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टॉर्क हमें दे रखा है, और टॉर्क हमने पढ़ रखा है कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin θ। ठीक है, PE sin θ, तो हम इससे ई निकाल सकते हैं, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, τ/P sin θ। अब टाउ हमारे पास क्या दे रखा है, 4√3, अपॉन पी हमारे पास क्या है, इतना दे रखा है 8×10^-9 मल्टीप्लाइड बाई 4×10^-2, और साइन थीटा मतलब sin 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई sin 60 डिग्री। ठीक है, तो इससे हमारे कुछ E की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इससे सीधा आ जाएगी, और इस फॉर्मूले में पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, इसमें P पता है, cos थीटा पता है, हमारे को E नहीं पता है। तो ये जो E की वैल्यू है इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा निकल के आ जाएगा, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा −4 जूल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये आपको खुद से करना है नोटबुक पे। ठीक है, ये यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने इजी सा क्वेश्चन था ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब आज के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो पहले कुछ
एग्जाम्स में आ चुके थे, मतलब क्लास 12 या तो सीबीएसई बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके थे। ये जो क्वेश्चन है ये दिल्ली 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये दिल्ली 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमने तीन क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। तीनों काफी बेसिक कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब क्लास 12th में जो भी पूछा जाता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं बताए हैं क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा बेसिक है, उनको समझाने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। और आगे के लेक्चर्स में हम और भी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और पढ़ते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।